मित्रों, वंदे मातरम। आप सबने देखा कि कैसे मध्य प्रदेश की सत्ता परिवर्तित हुई। बीजेपी सरकार से कांग्रेस सरकार सत्ता में आई और कमलनाथ इसके मुख्यमंत्री बने। और मुख्यमंत्री बनते ही कमलनाथ ने एक ऐसा बयान दिया कि रोज़गार को लेके, कि यहाँ पे मध्य प्रदेश में यूपी बिहार के लोग आके रोज़गार करते हैं, इसलिए यहाँ के लोगों को रोज़गार नहीं मिल पाता। लेकिन ऐसा नहीं है, रोज़गार यहाँ पे वास्तव में है ही नहीं, तो मुख्यमंत्री महोदय देंगे कहाँ से? अनाप शनाप बयान के अलावा कुछ कह नहीं सकते। और देखा जाए तो फिर कमलनाथ खुद तो यहाँ पे मुख्यमंत्री बनना ही नहीं चाहिए, क्योंकि कमलनाथ खुद उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं। फिर पहले कमलनाथ यहाँ से जाएँ, मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश का ही होना चाहिए, तो कमलनाथ क्यों यहाँ की मुख्यमंत्री पद संभाल रहे हैं? और एक भारतीय, एक इंडियन हर जगह, हर देश में, कहीं भी, किसी भी शहर में, किसी भी प्रदेश में रोज़गार कर सकता है, क्योंकि मध्य प्रदेश के लोग भी कई देश, कई प्रदेशों में, कई शहरों में रोज़गार पाके और वहीं सेटल हो रहे हैं। तो ये कहेंगे कि नहीं, यहाँ प्रदेश, इस प्रदेश में या किसी प्रदेश में दूसरे प्रदेश के लोग नहीं आ पाएंगे, तो ये बिल्कुल गलत है। क्योंकि हर भारतीय का, हर कोना कोना एक हिंदुस्तानी का है, वो कहीं भी जा सकता है, आ सकता है, ये स्वतंत्र है। सरकार को इसमें आपत्ति नहीं होनी चाहिए। इस बयान को लेके यूपी बिहार की जनता क्या कहती है? मध्य प्रदेश में कोई मुख्यमंत्री पद लायक नहीं था कि जाकर वहाँ का वो लोग का पद खा गए हो। कमलनाथ अपने घर से ला करते थे, किसी का हम कर्ज माफ करें, सरकार का संपत्ति लूट लूट के नेता हुए हैं सब। इसके अध्यक्ष को आप क्या सलाह देना चाहेंगे? वो तो महागत आदमी है, वो क्या है, उसे भैया मैं बताता हूँ, भैया उसे कुछ आता ही नहीं है। कमलनाथ जी ऐसा कह रहे हैं तो उनके ऊपर खुद वो चोर है, तो क्या कहें आप? कोई किसी की नौकरी नहीं कहता, इनके पास नौकरी है ही नहीं, तो ये बहानेबाजी इनकी चल रही है सब। कू जाएगा बना वो मुख्यमंत्री, सारा खुद खा गए, दूसरों का नाम लगा रहा है, खुद खाया है साला, दूसरों का नाम लगा रहा है। कमलनाथ से ये पूछिए कि प्रथम राष्ट्रपति कहाँ का था? बिल्कुल बकवास स्टेटमेंट है ये। अगर कोई यूपी या बिहार का आदमी ऐसा कर रहा है, उसमें दम है ना, तभी तो जाता है वो। अगर टैलेंट है तभी तो करने जाता है वो चाहे रिक्शा चलाता हो, चाहे वो पॉलिटिक्स करता हो, कुछ भी करता हो, उसमें दम है ना, तभी तो वहां जाता है। आपकी बस की बात, आप चला लो सारे काम कर लो। यूपी बिहार का आदमी अगर एक दिन के लिए बंद कर देना काम, भूखे मर जाएंगे साले सभी, समझे ना? मैं बता रहा हूँ आपको। जैसे शीला दीक्षित जैसे ये जो कांग्रेसी नेता ऐसा बयान देते क्यों? ये दे ऑला बुलशिट। इनका काम है राजनीति रोटियां सेकना, और ये काम है बांटना और डिवाइड एंड रूल, दैट्स इट। यूपी बिहार को क्या हल्के में ले रहा है अभी देखना है, इलेक्शन में क्या होता है इसको। मतलब वो एक वो गधी कचहरी होकर निकल गया, अगली बोर्ड लगा लिया, मैं एडवोकेट बन गई, इसको कैसे करके ताम झाम करके तो ने सरकार बनाई है। वो चौहान साहब बढ़िया काम कर रहे थे, अब बोलोगे मैं बीजेपी की तरफ से बोल रहा हूँ? नहीं, वो कौन कहने वाला यूपी बिहार का आदमी अगर रोटी खा रहा है? हाँ, तो अभी मैं कहता हूँ है तो बेकार ना हो तब भी, ये तो बम्बई वाले करते हैं कि जी बिहारी आ गए, यूपी वाले ऐसे करते हैं। अगर एक घंटा बिहारी और यूपी का आदमी अपना काम रोक देना, हर बिहारी रेल रुक जाएगी, जहाज रुक जाएगा, रिक्शे रुक जाएंगे, सब कुछ दूर रुक जाएगा, पानी रुक जाएगा, सब्जी रुक जाएगी, सब रुक जाएगा। एक घंटा अगर यूपी बिहारी काम करता आदमी, तो एक घंटा रुक जो जो काम करता है। हाँ, वो उसको तो खुद ही कुछ नहीं आता, वो कहते हैं जी अनुभव नहीं है, इसलिए ज्योति को, ज्योतिराज सिद्धा को नहीं बनाया सीएम, उधर उसको क्या नाम राजस्थान में उसको नहीं बनाया। भैया तू क्या पीएम बनना है, तुझे क्या तजुर्बा है, तुझे पीएम बनना है तो बोल नहीं सकते कि मोदी को चैलेंज करे। मोदी का तो मैं ऑन कैमरा हूँ, आई कैन नॉट से बैड वर्ड्स। मोदी का तो ये पैदा भी नहीं हुआ, उसके आगे भी है, वो ईमानदार आदमी, उसकी टांग खींच रहा है, एक कदम आगे चलता है 10 कदम खींच देते हैं। पहले गवर्नमेंट काम नहीं करती थी, अब करती है, 4.5 साल का हिसाब मांग रहे हो, तुमने क्या हिसाब दे दिया 60 साल का? तुम अपने 4 दिन का हिसाब दे दो, 60 साल का क्या हिसाब दोगे तुम? बेकार के लोग हैं सभी, हमें लड़ाएंगे आपस में, ये काम करेंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष की क्षमताओं पर आपको विश्वास नहीं है? महा अविश्वास है, कुछ नहीं है, ये अपने बाप का दादी का नाम का खा रहा है, कुछ भी नहीं आता। उसी का मुंह बोला बेटा कमलनाथ है। अभी कल एक वर्डिक्ट आया था 84 दंगों को लेकर, सज्जन कुमार को उम्र कैद की सजा हुई। रकाबगंज गुरुद्वारे की जो आगजनी हुई, हत्याएं हुई, उसमें सबसे बड़ा नाम था कमलनाथ का, ये बच गया। उसके बावजूद इसको शपथ दिलाई गई, और शपथ लेते ही इस व्यक्ति ने देश को तोड़ने वाली, अलगाववादी लोगों को एक दूसरे के खिलाफ भड़काने वाले बयान दिए। क्या इसको आप सलाह देना चाहेंगे? सर देखो, ये तो इनका काम है, अगर ये ऐसा नहीं करेंगे तो इनका वोट का पॉलेशन नहीं होगा, ठीक है? ऑफ कोर्स अगर किसी का सरदार मर गया, किसी का सिख मर गया, कोई मर गया, एक ने हो तो मारा था इंदिरा गांधी को, सारी कौम तो खराब नहीं है ना। ये सरदारों को बुराई करते हैं ना, एक आधा घंटे के लिए सरदार बनकर दिखा दें, ये
आधा घंटे के लिए जो कौम सरदार बहुत बहादुर और बहुत ईमानदार कौम होती है, आधा घंटे के लिए सिख बन जाए ना अगर, तो इनका जन्म सुधर जाएंगे। उसके लिए खिलाफत करते हैं, उसको सीएम बना दिया, मतलब दुनिया भर की बातें कर दी। इनमें कोई करेक्टर नहीं है इनका सर, करेक्टर नहीं है। नाम बताइए। आलोक सिंह।